नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? क्लास 12th के बच्चे, आपके लिए भी मैंने वीडियो बनाने का जैसा प्रॉमिस किया था, तो उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, क्लास 12th में जो आप सब पढ़ते हैं, तो आपके लिए समय आ गया है कि अब आप मेहनत करना शुरू कर दें और कमर को टाइट कर लें। कमर टाइट करने का मतलब होता है कि अब हमें पूरे दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करके कसम खा के ये बोल देना है कि अब हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं और अब कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमारे ध्यान जो है वो पढ़ाई से भटका नहीं सकती। तो आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। आप सब लोग जान लें कि मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं SST के वीडियो आपके बीच में लेके आऊँगा। आज जो है पॉलिटिकल साइंस का वीडियो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ और मेरे वीडियो से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप जितना मैं वीडियो बता रहा हूँ उतना भी पढ़ लेंगे और ध्यान से पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से करके जाएंगे एग्ज़ाम में, तो 90% गारंटेड है। 90% मेरी गारंटी है कि आपको मिलेंगे मिलेंगे मार्क्स। आप ईजीली CBSE क्लास 12th में 90% स्कोर कर सकते हैं मेरे सब्जेक्ट के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मेरे वीडियो सीरीज़ के साथ ही वो पढ़ना शुरू कर रहा है, तो उनके लिए मेरा प्रॉमिस है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को करते जाएं और 90% की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके 90% क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में आएंगे ही आएंगे। तो रास्ता है ये, अगर टॉपर बनना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। तो आज हम जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? बाइपोलैरिटी का मतलब होता है कि डबल जो ताकतें थी देश विश्व के अंदर, दो ताकतें थी वो ख़त्म हो गई, अब सिर्फ यूनिपोलैरिटी बची, यानी कि एक ताकत बची और वो है USA, और USSR जो दूसरी पावर थी वो ख़त्म हो गई। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12th कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो हमारी बुक है उसमें हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम आज करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आप समझ लें पहले। वैसे बहुत सारे YouTube पे वीडियो पढ़े हैं जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे के जो लेसन्स हैं वो एक एक चैप्टर के वीडियो उन्होंने बना रखे हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे के, और उसमें वो आपको कंप्लीट लेसन जो समझाते हैं। लेकिन मेरा आइडिया थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, और डिफरेंट आइडिया ये है कि लेसन्स तो आप पढ़ ही चुके हैं, आपने खुद भी लेसन को रीड कर लिया होगा, आपके स्कूल में भी लेसन पढ़ा दिया होगा, आपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन कर लिया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपने वीडियो भी बहुत सारे देख लिए होंगे लेसन्स के ऊपर। तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है अपना चेंज कर रहे हैं, हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको करने के बाद आपका 1 मार्कर भी कवर हो जाए, आपका 2 मार्कर भी कवर हो जाए, 4 मार्कर भी कवर हो जाए, आपका 6 मार्कर भी कवर हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो आज जो पहला क्वेश्चन है मेरा वीडियो का, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। कोल्ड वार जैसे कट चुका है आप सबको पता है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं इसको। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या है? स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या है कि सोवियत सिस्टम के 4 जो फीचर्स हैं वो बताइए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स और 4 मार्कर का क्वेश्चन है, और आपको पूछा जाता है इसमें से कई जो है 1 मार्कर के क्वेश्चन भी तैयार होते हैं। तो अगर आप ये 4 मार्कर कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सोवियत सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन द रशिया इन 1917। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स जो है आपको तैयार मिलेंगे। सिर्फ आपको इन स्क्रीनशॉट का प्रिंट निकालना है या फिर इसको लिख लेना है, और लिखने के बाद आप इसको याद कर लें, तो मेरी गारंटी है कि 90% आपके मार्क्स एटलीस्ट एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस में आएंगे ही आएंगे। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटेरियन सोसाइटी एंड प्लांट इकोनॉमिक कंट्रोल बाय द स्टेट इन 1917। रेवोल्यूशन द रशिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द डील ऑफ द सोशलिज्म एंड द नीड ऑफ द एलिटेरियन सोसाइटी। इट वॉज अपोज टू द आइडियोलॉजी ऑफ द कैपिटलिज्म एंड फाइनली गिव राइज टू द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और USSR। द सोवियत सिस्टम वॉज कॉन्शियस अटैम्प्ट टू डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी विथ एबॉलिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इट्स प्राइमरी फीचर्स आर इट वॉज ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन सिस्टम विच मेड द लाइफ डिफिकल्ट फॉर
द ऑर्डनरी सिटीजन, इट लैक डेमोक्रेसी एंड पीपल सफर्ड ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. इट वॉज अ वन पार्ट सिस्टम वेयर द नो अपोजिशन वॉज अलाउड. ऑल इंस्टीट्यूशन वर स्टेट कंट्रोल एलॉन्ग विद द इकनॉमी. इट एम्स टू एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट सिटीजन थ्रू द सब्सिडाइज एंड अदर पॉलिसीज. ऑल्दो द सोवियत सिस्टम हैड द 15 डिफरेंट रिपब्लिक, रशिया वॉज द डोमिनेट नेशन एंड अदर्स वर द ऑफ्टन सपोर्ट्स पॉलिसीज. देखो, जो सोवियत संघ था यानी जैसे USSR कहते थे, उसके अंदर 15 जो थे डिफरेंट रिपब्लिक्स थे जो उसका पार्ट थे USSR का. लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ, 1917 से 1917 से ये चला आ रहा था संघ, लेकिन 1991 में ये अलग अलग हो गए. ये पार्टीज जो थी इसमें से कई अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, जैसे यूक्रेन इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, रशिया अलग, रशिया आज भी जिंदा है लेकिन उसकी जो पावर है वो उतनी नहीं रही है. तो इसके कई कारण थे. कई कारण ये थे कि जैसे कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट से लोग परेशान थे वहाँ के लोग, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट नहीं करते थे. प्राइवेटाइजेशन को उनके प्रमोट ना करने से क्या होता था कि सारा काम जो कम्युनिस्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिज्म में क्राइसिस आने लगे और जो रशिया है, USSR है, जो 15 उनके डिफरेंट रिपब्लिक्स थे, उन्होंने कई सारी डिफ़िकल्टीज फेस की और अब वो इन परेशानियों से बाहर आना चाहते थे. द सोवियत सिस्टम एंश्योर्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स सिटीजन. सोवियत सिस्टम जो था अपने जो सिटीजन्स हैं उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने की गारंटी देता था. द गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग द हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम. गवर्नमेंट जो थी वो सब्सिडाइज रेट पर जो है वो अपने सिटीजन्स जो थे उनको देती थी हेल्थ की फैसिलिटीज, एजुकेशन की, चाइल्ड केयर की और अदर वेलफेयर स्कीम. देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम के में अंदर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं. स्टेट ऑनरशिप वॉज डोमिनेटेड, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट. जो सारी की सारी चीज़ें थी या प्रोवाइड की जाती थी वो स्टेट के हाथ में था. सारा का सारा काम जो है वो स्टेट देता था. सब कुछ जो भी फैसिलिटीज सर्विसेज थे सब स्टेट प्रोवाइड करती थी और उसका डोमिनेट रोल था, कंट्रोल था सब चीज़ के ऊपर स्टेट का. व्हाट वॉज शॉक थेरेपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी और सेकेंड नंबर पर मैंने इसको लिखा भी है. 6 मार्कर 4 मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर सारे क्वेश्चन जो हैं वो शॉक थेरेपी में से आ सकते हैं. और कई बार जो है इसमें से दो दो क्वेश्चन भी आए हैं कि एक क्वेश्चन जो है 1 मार्कर 2 मार्कर में आ गया और एक क्वेश्चन 4 मार्कर या 6 मार्कर में आ गया. तो शॉक थेरेपी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. वॉज दिस द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन फॉर कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म. शॉक थेरेपी वॉज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. तो शॉक थेरेपी क्या है कि अचानक से उनको निकाला गया. किससे निकाला गया? कम्युनिस्ट सिस्टम से निकाला गया और डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में डाल दिया गया. यानी कि उन्होंने अचानक से समाजवाद को छोड़ दिया और पूंजीवाद को अपना लिया. तब ऐसा अचानक से जब हुआ तो एक शॉक थेरेपी की तरह ये लोगों के मन में बैठा और इसने बहुत सारे चेंजेस लाए वहाँ पे, फिजिकल चेंजेस जो नज़र आए. दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन रशिया. और ये सारा जो सिस्टम था वो रशिया के अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF. आपको भी एक चीज़ बता दूँ कि जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है इसके अंदर जो है डॉलर में लेन देन होता था. तो इसने जो USA का पैसा था, डॉलर जो था करेंसी, उसको काफ़ी प्रमोट किया और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो कर्जे देते थे वर्ल्ड बैंक और IMF जो है ये कर्जा देते थे उन स्टेट्स को कर्जा देते थे जिनको अपने चलाने में स्टेट को दिक्कत हो रही है. तो इन्होंने क्या किया, डॉलर को बहुत ज़्यादा जगह जगह फैला दिया. डॉलर जो है दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा था. डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इतना ज़्यादा बढ़ने से जो USA है वो मजबूत होता जा रहा था, रशिया जो है कमजोर हो रहा था. इसके अलावा सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप के अंदर भी वर्ल्ड बैंक के कर्जे जो है बढ़ गए थे. थ्रू इट द वेरीज ऑफ द इंटेंसिटी एंड द स्पीड अमंगस्ट द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, बट इट डायरेक्शन एंड फीचर्स वर द क्वाइट सिमिलर. लेकिन के डायरेक्शन और फीचर्स जो थे वो क्वाइट सिमिलर थे. दिस वॉज नॉट द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम द कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म ड्यू टू द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स. ये समय जो था बड़ा ही क्रूशल था जब कम्युनिज्म से आप चेंज हो रहे थे और कैपिटलिज्म की तरफ आप जा रहे थे, क्योंकि जो USSR की पॉलिसी थी वो कम्युनिज्म थी और जो USA की पॉलिसी थी वो कैपिटलिज्म थी. लेकिन अब जो है समय आ रहा था जब हमें कम्युनिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म की तरफ ये जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं
उनको ठीक करना था। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए जब ये सिस्टम चेंज हुआ, तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल के आए। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लॉस्ट अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज थ्रू द सेल्स थ्रू द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द कंपनी। रशिया जो बहुत बड़ी कम्युनिस्ट स्टेट था, जहाँ पे हर चीज़ जो है स्टेट कंट्रोल थी, वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो 90% इंडस्ट्रीज जो थी उनको थ्रो सेल्स करना पड़ा, यानी कि कबाड़ के भाव उनको बेचना पड़ा, सस्ते में बेचना पड़ा। लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री को हज़ारों रुपए में बेचना पड़ा, इस वजह से कि उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में जाना है, कंपनीज के हाथ में जाना है। इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री, और हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैरेज सेल्स जो है वो बना था रशिया के और USSR के 15 नेशंस के अंदर, विच लीड द वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द एंटायर इंडस्ट्रीज फॉर रिस्ट्रक्चरिंग वॉज कैरिड आउट बाय द मार्केट फोर्सेज इन प्लेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज। और इसका रीज़न यही था कि अब जो कम्युनिज्म का स्लाइम नहीं था, अब जो स्टेट कंट्रोल हटाना था और सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको मार्केट फोर्सेज पे आना था, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज के अकॉर्डिंग काम करना था, और प्राइजेज जो है वो मार्केट ऑटोमेटिक डिसाइड करती है, ऐसा कुछ होने वाला था। इस वजह से जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्री को जो है थ्रो, यानी कि गैरेज सेल्स किस लिए कहते हैं कि एकदम कूड़े के भाव, कबाड़े के भाव उनको बेचना पड़ा। हैंस इंडस्ट्रीज अवर अंडर डेवलप अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट द थ्रो अवे प्राइसेस। इट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय द ओल्ड सिस्टम ऑफ द सोशल वेलफेयर। इसने सोशल वेलफेयर का जो सिस्टम था, यानी कि जब कम्युनिज्म का टाइम था और कम्युनिस्ट जो इंडस्ट स्टेट थी वो सारी कंपनियों को रन करती थी, तो उनका मेन मोटिव क्या था? उनका मेन मोटिव ये था कि हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें क्या करना है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अपने सिटीजन को सुविधाएँ देनी है, चाहे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस और इवन कई बार लॉस पर भी प्रोडक्शन करनी पड़ती। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब जो था प्राइवेटाइजेशन का टाइम आ गया, जहाँ पर हर चीज़ जो है प्रॉफिट मोटिव से सोची जाती। द वैल्यू ऑफ द रूबल द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रियल GDP ऑफ रशिया ऑल्सो डिक्लाइन बिटवीन द 1989 टू 1999। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रशिया की अपनी अपना पैसा था रबल जो उसका पैसा था वो अब विश्व में जो है अपनी प्रतिष्ठा जो है खोटा जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो रही थी, और जो डॉलर था वो और मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक के थ्रू और IMF के थ्रू सेंट्रल एशिया ईस्ट एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ थी उनको पैसा जो है उसने लोन दे दिया था स्टेट को रन करने के लिए, तो इसलिए रूबल जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया था। द विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश द लार्ज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन टू पॉवर्टी एंड इट्स एमर्ज द माफिया टू स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब छोटे छोटे जो है माफिया पैदा हो गए थे वहाँ पर, वो माफियों का क्या काम था, उन माफियों का काम था कि मार्केट्स को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके अपना पैसा कमाना। फॉर एग्जांपल कहीं हम सोचते हैं ना कि जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं और जब मार्केट में से क्राइसिस आती है तो उसको महंगे रेट पर बेचते हैं, ऐसा ही कुछ होने लगा था रशिया के अंदर। प्राइवेटाइजेशन लेड टू द न्यू disparates which divided the Russia between the rich and the poor people creating the economic inequality। अब जो है प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से जो रशिया था वो दो वर्गों में, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, एक ग्रुप था रिचर्स का और एक ग्रुप था पुअर्स का, और इनके बीच में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। हैंस शॉक थेरेपी ब्रॉट रन टू द इकोनॉमिक एंड द डिसअपियर अपॉन द पीपल ऑफ एंटायर रीजन। तो शॉक थेरेपी इसे इन सब की जो है बर्बादी होनी लाजमी थी और जो इंटायर इकोनॉमिक्स थी उसके अंदर डिजास्टर्स आ गए। तो अगला क्वेश्चन भी शॉक थेरेपी का ही है, क्वेश्चन नंबर 3। शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम के अंदर शॉक थेरेपी ने क्या रोल प्ले किया। एन अनप्लेजेंट प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द ओल्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज विद द फॉल ऑफ कम्युनिज्म। यानी कि ज़्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज ने इसको फॉलो किया था, क्योंकि पुराना सिस्टम जो था वो क्रैप्स कर रहा था, गिर रहा था, और नए सिस्टम की जरूरत है। एज अ पार्ट ऑफ द शॉक थेरेपी इन द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम आर ट्रांजिशन इन द रशिया सेंट्रल एशिया यूरोप विच वॉज अटैक बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम इन टू द पिक्चर एज अ शॉक थेरेपी। तो इसमें बहुत बड़ा जो रोल था वो वर्ल्ड बैंक का और IMF का रहा, क्योंकि इन्होंने जो है डॉलर जो है वो बांटना शुरू कर दिया था एक तरीके से, जिसकी वजह
से कम्युनिज्म सिस्टम जो था उसके काफ़ी अटैक हुआ और वो कमज़ोर होने लगा, और उसके अपोजिशन जो था प्राइवेट सिस्टम जिसे कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं वो धीरे धीरे प्रमोट होने लगा। इससे जो रूबल था वो रशिया का कमज़ोर हो गया और जो डॉलर था अमेरिका का वो धीरे धीरे राइज करने लगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के फीचर्स क्या क्या हैं? टोटल शिफ्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकनॉमी, पहला क्या था कि सारी की सारी जो सोशलिस्ट इकनॉमीज थी वो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में ट्रांसफ़र हो गई, वो सारे की सारी कैपिटलिस्ट इकनॉमीज बन गई। एज अपोज टू द पब्लिक ऑनरशिप प्राइवेट ऑनरशिप एमर्ज एज द डोमिनेट फैक्टर, तो यहाँ पर जो था पब्लिक ऑनरशिप थी प्राइवेट ऑनरशिप थी वो इस समय डोमिनेट फैक्टर का रोल अदा करने लगी। उससे पहले जो थी सारी पॉलिसी सारी कंपनीज जो थी उसको रन करता था स्टेट कम्युनिज्म सिस्टम में, लेकिन अब जो है कम्युनिस्ट पार्टी हट चुकी थी और प्राइवेटाइजेशन आ चुका था कैपिटलिज्म आ चुका था, तो इसके अंदर जो सारा का सारा कंट्रोल था वो पब्लिक ऑनरशिप का और प्राइवेट ऑनरशिप का हो गया था। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द शॉक थेरेपी इज द पोस्ट कम्युनिस्ट रिजिम लीड टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट एक्सेस एंड कॉरपोरेट ऑनरशिप पार्टनर वर ब्रॉट इन टू द पिक्चर, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, शॉक थेरेपी आने से सबसे जड़ बड़ा जो असर हुआ वो स्टेट एसेट्स के ऊपर हुआ, कॉरपोरेट ऑनरशिप के ऊपर हुआ, पैटर्न्स के ऊपर हुआ, ये सब जो थे प्राइवेटाइज हो गए थे, हर जगह जो है प्राइवेटाइजेशन दिख रहा था। प्राइवेट फर्म्स एंड द कैपिटलिस्ट इन द एग्रीकल्चर रिप्लेस द कलेक्टिव फर्म, यहाँ पर क्या होने लगा कि हर जगह जो है कैपिटलिज्म को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया प्राइवेट फर्म्स ने, और इवन एग्रीकल्चर के अंदर भी प्राइवेट फर्म्स एंटर कर चुकी थी। फ्रीज आउट एनी अल्टरनेटिव और थर्ड वे अदर देन द स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और द कैपिटलिज्म, यानी कि अब यहाँ पर तीसरी ताकत जो थी वो एक्टिव हो चुकी थी, उसने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को ख़त्म करके एक प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम बना दिया था या एक मिक्स्ड इकनॉमी की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। अ कम्प्लीट स्विच टू द फ्री ट्रेड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फ्री ट्रेड रिजिम वर्ड टू बी द मेन, यहाँ पर जो मेन था वो क्या था, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था और दूसरा था फ्री ट्रेड रिजाइम, ये दोनों चीज़ें जो थी ये कंप्लीट स्विच ओवर कर रही थी ट्रेड का। जैसे डायरेक्टली जो है जो मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेशों में है ऑरिजिनली कंपनी वो जो है दूसरे देशों के अंदर ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही थी, यानी कि वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेच रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है ना कोक ब्रांड बिकता है, तो कोक जो ऑरिजिनली ब्रांड है वो USA का है लेकिन इंडिया में उसकी काफ़ी सेल है कोक ब्रांड की, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसका जितना भी सेटअप है डेवलपमेंट है वो इंडिया के अंदर है लेकिन सारा जो कंट्रोल है कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है R&M जो है वो सारा अमेरिका से होता है, उसका जो प्रॉफिट है उसमें बहुत बड़ा शेयर जो है वो अमेरिका को चला जाता है। तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत चीज़ों में हो रही थी उस समय। द फ्री ट्रेड रिजिम एंड द फॉरेन डायरेक्ट वर्ल्ड टू बी द मेन इंजिन्स ऑफ द चेंज deregulation along with the openness to the foreign investment and currently convertible emerged as the dominant elements of the shock therapy in the post-communist regime. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप शॉक थेरेपी का पार्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो ईजिली चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। एग्जिस्टिंग ट्रेड अलाइंस एमोंग द सोवियत ब्लॉक कंट्रीज वर डिसमेंटल्ड डायरेक्ट लिंक टू द वेस्ट एस्टेब्लिश्ड लिंक बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैव डिस्प्टेड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट लिंक टू द वेस्ट एस्टेब्लिश्ड एंड द लिंक बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग नेशन हैव डिस्टर्प्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। तो यहाँ पर क्या था कि जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था इस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को हो रहा था कि सारा का सारा जो कैपिटलिज्म सारा जो कम्युनिज्म है वो चेंज होकर कैपिटलिज्म बनता जा रहा था, और कैपिटलिज्म बनने से क्या हो रहा था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रही थी, यानी कि जो लोग USA में बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन लोगों ने बाकी कंट्रीज़ के अंदर सेंट्रल एशिया के अंदर एशिया के अंदर ईस्ट एशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था जिससे उनको फ़ायदा हो रहा था, और इस फायदे की वजह से बहुत सारी ब्रिटिश बहुत सारी जो कंपनीज थी जो USA बेस्ड थी वह पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसलिए इसको एक शॉक थेरेपी का नाम दिया गया कि अचानक से जो है लोगों को झटका लगा, उन्होंने एक दिन उठ के देखा तो उनकी लाखों करोड़ों की जो कंपनियां थी वो अब हज़ारों की बची थी, तो उनको एक शॉक लगा कि कम्युनिज्म कैसे अचानक से ख़त्म हो के और प्राइवेटाइजेशन एकदम से कैसे आ गया। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में शॉक थेरेपी के देयर आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द शॉक थेरेपी अ मोर इफेक्टिव मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, यानी कि अब जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिजॉल्व करने के लिए कैपिटलाइजेशन सिस्टम आ चुका था, क्लियरली स्टेटिंग द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन जो थी वो बढ़ चुकी थी। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू, इसी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी, क्रिएटिंग अ सफिशेंट द रैपिड इनकम डायरेक्टली,
यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो है जैसे यूएसए ने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो इंडिया में खोल दी। फॉर जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया कोक कंपनी का, तो मान लो कोक कंपनी जो है अपना बिजनेस जो है इंडिया में शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन उससे हो क्या रहा है, हमें उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा, सारा बेनिफिट जो है वो उस कंपनी को ही जा रहा है जो यूएसए बेस्ड कंपनी है। तो सारा पैसा जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूएसए में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि यूएसए सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे यहाँ पर और हमारे यहाँ से प्रॉफिट कमा कर वो अपने देश में तरक्की में लगा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ पर सारा चीज़ें यही हो रही थी कि यूएस का धीरे धीरे कंट्रोल जो था वो रशिया की में बढ़ता जा रहा था। जैसे आपने कोल्ड वॉर में पढ़ा था ना कि दो बड़ी ताकतें हैं, एक यूएसएसआर और एक यूएसए, तो अब दूसरी जो बड़ी ताकत थी यूएसएसआर वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो बाई पोलैरिटी के अंदर जो बाई पोलैरिटी खत्म हो रहा था, यूनिपोलैरिटी आ रहा था, यूएसए जो है वर्ल्ड में एकमात्र शक्ति बनकर उभर रहा था और धीरे धीरे उसने रशिया को ख़त्म कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग, दूसरा के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है इसकी वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से। ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक कंडीशनाइजिस ऑफ चेंज, ओवरवेलमिंग का मतलब ये होता है कि जब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हो इकोनॉमिक से तो भी आपको कई तरह की कंडीशन जो होती हैं वो नुकसान उठाना पड़ता है उसका। हाउ डिड द सोवियत यूनियन सडनली डिसइंटीग्रेट, एक्सप्लेन एनी सिक्स रिएक्शन, अचानक से सोवियत यूनियन जो थी वो डिसइंटीग्रेट क्यों हो गई, यानी कि 15 देश जो कितने सालों से इकट्ठे चल रहे थे 1917 से लेके 1991 तक वो इकट्ठे चल रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अलग अलग स्टेट बन गए। जैसे आज आप सुन रहे हैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो एक्चुअली यूक्रेन जो था कभी रशिया का ही पार्ट था और ये यूएसएसआर था, लेकिन अब जो है इसमें बहुत सारे और कंट्रीज थी, 15 टोटल कंट्रीज थी जिसमें से काफ़ी कंट्रीज जो अलग अलग हो गए, लेकिन रशिया फिर भी आज एक मजबूत पावर है, उतनी नहीं जितना यूएस है लेकिन फिर भी है। सिक्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, उसके डिसइंटीग्रेशन के लिए जो छः फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसमें से पहला फैक्टर है द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू मीट द एस्पिरेंट ऑफ द पीपल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, यानी कि जो यहाँ पे सोवियत की जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट थी उसके सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये था कि जो उसके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे वो जनता की जो नीड थी उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं बची थी कि वो इतना प्रोडक्शन कर सके कि पूरी जनता की जो नीड्स है उसको पूरा कर सके, इसलिए भी जो है कैपिटलिज्म की मांग बढ़ रही थी। इकोनॉमिक स्टैगेशन फॉर मैनी ईयर्स लीड टू सर्व द कंज्यूमर shortages, a large section of the Soviet society began to doubt any and question the system had to do so openly, यानी कि questions जो उठाने शुरू कर दिया public ने, किसके ऊपर question उठाने शुरू कर दिया, अपने government के ऊपर, वो कहते थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है और जो open system नहीं है, हर चीज़ जो openly नहीं है, जैसे आज जो है हमारे यहाँ पे किसका right चलता है, RTI लगाने का चलता है ना कि आप right to information है, आप किसी भी जानकारी को government से directly मांग सकते हो, government को अपने उस सिस्टम की जानकारी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा जो था उस समय रूस में नहीं हो रहा था और उनको लगता था पब्लिक को कि रूस के जो पॉलिटिशियंस और नेता हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए काफ़ी चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं। द सोवियत यूनियन हैड बिकम द स्टेगनेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल सेंस एज वेल, द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत अंडर द ओवर 70 ईयर वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी 70 साल से जो गवर्नमेंट चली आ रही थी कम्युनिस्ट पार्टी की उसके ऊपर से लोगों का विश्वास अब धीरे धीरे हटने लगा था। ऑर्डनरी पीपल वर अलाइनेटेड बाय द स्लो एंड द शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन एंड इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ द करेक्ट मिस्टेक इज इट हैड, अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी इन द वेस्टलैंड, यानी कि अब गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के आरोप बढ़ रहे थे, पब्लिक ये कह रही थी कि आप अपने सिस्टम के अंदर थोड़ा ओपननेस लाइए ताकि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में लोगों को जो है पूरी जानकारी मिल सके, लेकिन गवर्नमेंट अभी ये करने के लिए तैयार नहीं थी। द सोवियत इकनॉमी यूज मच ऑफ इट रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड द मिल्ट्री एसेंशियल टू डेवलपमेंट ऑफ द सेटेलाइट स्टेट्स इन द ईस्टर्न यूरोप एंड विद इट द सोवियत सिस्टम द लीड ऑफ द ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन डेट अ सिस्टम कुड नॉट कोप विद, यानी कि सोवियत तो जो था उसका यूएसएसआर का जो है यूएसए से जो कंपटीशन चल रहा था, तो दोनों अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने में काफ़ी पैसा खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से जो पैसा लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, जो वहाँ पर पब्लिक सर्विसेज के लिए खर्च होना चाहिए था, पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर खर्च होना चाहिए था, वो पैसा आप जो है आर्मी इक्विपमेंट्स के ऊपर न्यूक्लियर पावर बढ़ाने के ऊपर खर्च कर रहे थे, तो इस वजह से लोगों के अंदर काफ़ी जो था गुस्सा था इस चीज़ का
कि कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। तो एक और चीज़ है, जो इकोनॉमिक बर्डन था वो धीरे धीरे देश के ऊपर बढ़ता जा रहा था। व्हेन गोर्चकॉफ बिकम द प्रेसिडेंट, जब गोर्चकॉफ प्रेसिडेंट बने, ही कैरिड आउट द रिफॉर्म्स एंड लूजन द सिस्टम, उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया और सिस्टम को थोड़ा सा लूज़ किया, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट सिस्टम जो पकड़ रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ने, उन्होंने थोड़ा सिस्टम को लूज़ किया। ही सेट इन द मोशन फोर्स एन एक्सपेक्टेशन डेट द फ्यू कुड प्रैक्टिस एंड बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ लोगों के चलाने से कभी शासन नहीं चल पाएगा, उसको चलाने के लिए सबका शामिल होना जरूरी है। देयर वर द सेक्शंस ऑफ द सोवियत सोसाइटी विच फेल्ट डेट द गोर्चकॉफ शैल हैव मूव मच फास्टर, वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इम्पेशेंट विद द मैथड्स। अदर स्पेशली द मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु वर सर्व टू द सिस्टम टुक एग्जैक्टली द अपोजिट व्यू। इन दिस स्ट्रग ऑफ वार गोर्चकॉफ लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ ऑल साइड। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये गोर्चकॉफ जो है प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो इन्हीं की कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे वो इनके खिलाफ हो गए, उन्होंने इनके अपोजिशन इनके उनके उनके व्यू जो थे वो अपोजिट हो गए। तो इसलिए इन दिस टग ऑफ वार, इस टग ऑफ वार में जो सपोर्ट था वो गोर्चकॉफ ने सब तरफ से खो दिया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर ऑफ द सोवरेनिटी विद द वेरियस रिपब्लिक इंक्लूडिंग द रशिया एंड द बेल्टिक रिपब्लिक, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर प्रूफ टू बी द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ। इस वजह से जो बेल्टिक है, बेल्टिक रिपब्लिक है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, ये रशिया से जो अलग हो गए, यानी कि क्राइसिस इतने सारे बढ़ गए थे कि लोगों के अंदर जो था एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सोच उनके अंदर घर कर गई थी। इस वजह से यूक्रेन अलग हो गया, जॉर्जिया अलग हो गया, बेल्टिक रिपब्लिक्स एक अलग हो गया, और आज यूक्रेन जो रशिया से लड़ रहा है उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है। What were the major consequences of the disintegration of the Soviet Union for the countries like India? ये next question है कि जो major consequences है disintegration के Soviet Union के लिए, तो वो countries like India के लिए क्या सबक देते हैं। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड कोलैप्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम इन द ईस्ट यूरोप कंट्रीज हैड द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और पहला जो है वो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर जो चल रही थी, यानी कि जो यूएसए और यूएसआर जो है वो सामने से लड़ नहीं रहे थे लेकिन पीछे से जो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे कि अधिकतर देश जो है वो यूएसए के साथ आ जाए, या अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं न्यूलिफरी कंट्रीज़ हैं वो चली जाएँ यूएसएसआर के साथ। तो इनके नेक्टोनेट कॉम्पिटिशन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इनकी जो आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग थी। यूएसए जो था वो कैपिटलिज्म के ऊपर चलता था और यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म के ऊपर चलता था। वो कम्युनिस्ट पार्टी और वो जो है कैपिटलिस्ट पार्टी, इस तरह से दोनों के जो विचार थे वो अलग अलग थे। अब जो एंड वर्ल्ड और जो वर्ल्ड वॉर था वो भी इसके साथ ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक पावर जो थी यूएसएसआर वो ख़त्म हो गई थी और एक ही पावर बची थी यूएस, और यूएस की एक पावर बचने से यहाँ पे यूनिपोलरिटी आ गया और बाइपोलरिटी सिस्टम जो था पूरी तरह से ख़त्म हो गया। द डिस्प्यूट हैड ट्रिगर्ड ऑफ एंड अ मैसिव आर्म रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस बिटवीन द टू सुपर पावर्स वर नो लॉन्गर इन एक्सपीरियंस। यानी कि अब जो है मिलिट्री की जो लड़ाई का जो डर बना रहता था कि एक और वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो जाए इन दोनों के आपस में लड़ने की वजह से, तो वो अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है ख़त्म हो रहा था, सॉरी कम्युनिज्म जो है ख़त्म हो रहा था, साथ ही रूस जो है वो डिवाइड हो चुका था। अब इसका बी पॉइंट है, कैपिटलिज्म एमर्ज एज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म जो है वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी रहा है कम्युनिज्म में। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन ऑल्सो रिवील्ड दैट द वीकनेसेस टू द कम्युनिस्ट सिस्टम। जब सोवियत सिस्टम गिरा तो उसके साथ साथ जो कम्युनिस्ट सिस्टम की वीकनेस है वो भी सामने आई। रिप्रेजेंट द डिफेक्ट डिफीट ऑफ द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ द इकोनॉमी एंड गवर्नेंस विद लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम एमरजेंसिंग एट अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द सोशलिस्ट मॉडल। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अडोप्टेड द मोर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंडोर्सिंग द लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ओनिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द फॉरन इन्वेस्टर। यानी कि बहुत सारे और देश थे जो कम्युनिस्टिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, तो जब यहाँ पर कम्युनिज्म का एकदम से कोलैप्स हुआ और रशिया के अंदर कम्युनिज्म ख़त्म हुआ, तो बाकी जो कंट्रीज थे उनको भी कहीं ना कहीं लेसन सीखने को मिला। जैसे इंडिया, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने थोड़े से अपने विचारों के अंदर परिवर्तन किया और अब वो कैपिटलिस्ट के साथ मिलकर चलना चाहते थे। चेंज इन द पावर इक्वेशन, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन
एंडेड द बाई पोलरिटी डेट हैड कैटराइज वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट ओपन द ऑप्शन ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड विच वन कंट्री वुड डोमिनेट द वर्ल्ड अफेयर एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड वेयर अ नंबर ऑफ पावरफुल कंट्रीज वुड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि यहाँ पर जब ये कोलैप्स हुआ, कम्युनिज्म जो है कोलैप्स हुआ रशिया के अंदर, तो वर्ल्ड में सिर्फ एक पावर बची, तो जो बाइपोलैरिटी का सिस्टम बन रहा था रशिया और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, वो भी अब ख़त्म हो गया और अब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर बची थी, उसी का डोमिनेशन चल रहा था, वो था यूएस। एमरजेंस ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड, द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन रिजल्टेड इन द शिफ्ट ऑफ द पावर टूवर्ड द यूएस विच एमर्ज द सुपर पावर डोमिनेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स। द वर्ल्ड विटनेस द राइज ऑफ द यूएस एज अ होजमैन विद द लार्जेस्ट मिलिट्री बेस, डोमिनेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्रोफाउंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस ओवर द कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडिया। दिस इन रिगार्ड द मैनी साइट फॉर एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन रीथिंक ऑन दिस पॉलिसीज विद द यू एस आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। यानी कि जब ये कुछ हुआ रशिया के अंदर, इतना सब कुछ हुआ और यू एस एस आर ख़त्म हुआ, तो वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कंट्रीज ने काफ़ी कुछ सोचा और उसके बाद जो है कैपिटलिज्म की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा और धीरे धीरे लोगों ने कैपिटलिज्म को अपनाना शुरू कर दिया और कम्युनिज्म को छोड़ना शुरू कर दिया। एमरजेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज, द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन रिजल्टेड इन द राइज ऑफ द मैनी न्यू कंट्री। यानी कई न्यू कंट्रीज भी बनी इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूएसएसआर जो था उसके अंदर रशिया प्लस 15 अदर कंट्रीज थे, टोटल 15 देश थे रशिया को मिला के। यूनियन रिपब्लिक ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्रीज विद देयर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड द पॉलिटिकल एस्पिरेशन। यानी कि 15 अलग अलग देश बन गए थे, विद वाइल मैनी ऑफ द दिस कंट्रीज चूज टू बिकम द मेम्बर ऑफ द ईयू एंड नेटो। नेटो के मेम्बर चुनना काफ़ी देशों ने ये इसमें पसंद किया। नेटो वही संगठन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था कि ना हम रशिया के साथ जाएंगे ना हम यूएसए के साथ जाएंगे, हम जो है नेटो बनाएंगे, गुटनिरपेक्ष बनाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट रखेंगे, जिससे भी हमें फ़ायदा लेना होगा हम उसकी तरफ अपना रुझान करेंगे ताकि हमें दोनों का फ़ायदा मिल सके। अदर मेंटेन क्लोज टाइज विद द रशिया, दस वी सॉ द राइज ऑफ द मैनी न्यू प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल। तो इसने हमने देखा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे कई सारे न्यू कंट्रीज जो है समय निकल कर आई। द डिसइंटीग्रेशन हैड प्रोफाउंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द सोसाइटी लाइक द इंडिया विच हैड टू रीडिफाइन इट्स द फॉरन पॉलिसी। फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सोवियत यूनियन ऑलमोस्ट केम टू द एंड ब्राइटिंग इंडिया इन टू द brink of the economic crisis that compelled and the country to open the economy to the private players. Moreover, the Russian defense supplies in the Indian decline after the disintegration, thus it opened the new challenges for the India to rework in the stateless and the forge closer ties with the US. यानी कि US के साथ जो है फोर क्लोजर टाइज जो है वो चले और काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो हुआ यूएस ने कब्जा करा वर्ल्ड के अंदर जब रशिया जो ख़त्म हुआ, तो और मेन डोमिनेटिंग पावर जो थी अब रशिया ही बचा था। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द गॉर्चेव रिफॉर्म टू द सोवियत सिस्टम एंड एफर्ट ऑफ दिस रिफॉर्म इन द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के अंदर जो गॉर्चेव जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने किस तरह के रिफॉर्म जो है इंप्लीमेंट किए थे, इस पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और 4 or 6 मार्क्स में आपको आ सकता है एग्जाम में। तो आंसर है मिखाइल गॉर्चेव वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। ही इनिशिएटेड रिफॉर्म टू द सोवियत सिस्टम एंड ट्राई टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट। ही ऑल्सो ट्राई टू डेमोक्राइज एंड द रिफॉर्म ऑफ द सोवियत यूनियन। सम ऑफ द रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय द गॉर्चेव सर। एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो 15 कंट्रीज थी इसमें जो हेड कंट्री थी पहले भी रशिया थी और अब भी रशिया जो है कम पावरफुल नहीं है, काफ़ी पावरफुल कंट्री है। तो यहाँ पे जो 15 कंट्रीज थी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था, जो सारी की सारी पॉलिसीज थी वो रशिया बेस्ड थी, सब कुछ जो है रशिया के लिए किया जाता था। इस वजह से जो 15 अलाइंस थे इसके वो नाराज ही रहते थे, किसी न किसी बात को लेकर बोलते थे कि आप हमें पूछते नहीं, हमें अलग थलग रखते हो। तो कुछ यूनिफॉर्म थे जो गॉर्चेव लेके आए थे, वो यूनिफॉर्म क्या थे वो देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ द पेरेस्टोकेला, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग एंड द ग्लासनॉस्ट यानी कि ओपननेस। दो चीज़ें उन्होंने कहा कि हम रीस्ट्रक्चर करेंगे अपने सारे कम्युनिस्ट जो इंडस्ट्रीज हैं उनका और हम ओपननेस करेंगे गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर। ही स्टॉप द आर्म रेस विद द यूएस बाय साइनिंग
अपार्ट टू कंट्रोल ओवर द न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने एक संधि साइन कर दी यूएस के साथ, और यूएस के साथ जो हमारा कंपटीशन चल रहा था, रशिया का जो कंपटीशन चल रहा था, जिसमें अगर भाई तेरे पास दो हथियार है तो मेरे पास चार होंगे, तेरे पास चार है तो मेरे पास आठ होंगे, तेरे पास आठ है तो मेरे पास 16 होंगे, यानी कि वो कंपटीशन कहीं ना कहीं एंड हुआ। और काफ़ी जो पैसा था वो यूएस का और यूएसएसआर का जो है वो आर्म्स में चला जाता था, न्यूक्लियर पावर में चला जाता था, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। द आइडल सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड द ईस्टर्न यूरोप। इन्होंने क्या किया, जो इनकी आर्मी थी बहुत सालों से जो अफगानिस्तान के अंदर 10 साल से लड़ रही थी, ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो लड़ रही थी, उसको इन्होंने वापस बुला लिया कि हम जो है दूसरे के झगड़े में अपनी टांग नहीं फंसाएंगे, हम अपना पैसा वहाँ बर्बाद नहीं करेंगे। ही हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। इन्होंने यूनिफिकेशन करवाया जर्मनी के अंदर। द रिफॉर्म इनिशियलाइज द गॉर्बच हैड फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द यूएसएसआर। इनके रिफॉर्म्स का क्या प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव पड़ा कॉमन पीपल बिकम द इनपेशेंट टू ब्रिंग द ओपननेस एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिस्टम फास्टर देन दीज वर शेड्यूल्ड इन द पॉलिसी ऑफ द पेरेस्टोकला एंड द ग्लासनोस्ट। यानी कि जो पीपल थे वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी जो हमारा सिस्टम है वो पब्लिक हो जाए, ओपननेस आ जाए, ताकि उनका फ़ायदा जो है पब्लिक को डायरेक्टली मिल सके। ब्यूरोक्रेट्स एंड द कम्युनिस्ट हार्डरियस डिड नॉट वॉन्ट टू अडॉप्ट दिस पॉलिसीज, दे फेल्ट दियर पावर एंड द लग्जरीज वुड रिड्यूस। जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो कम्युनिस्ट थे, उनको ये लगता था कि अगर यहाँ पे कम्युनिज्म ख़त्म हुआ, जो हमारा शासन जो चल रहा है, जो हमारे इन्फ्लुएंस चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कैपिटलिज्म जो है वो यहाँ पर आए। एज अ रिजल्ट गॉर्चव हैड टू सफर एंड सब्सिक्वेंटली ही रिजाइन एंड अ कूप टेक प्लेस इन द 1991 इन विच द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइंस वर नो वन साइड एंड द स्ट्रेच सपोर्टर ऑफ द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द अदर। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो बहुत कम्युनिस्ट थे, जो बहुत टाइम से शासन चला रहे थे, उन्होंने इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, और इनके खिलाफ जो है सारे लोग हो गए, और इनके जो रिफॉर्म्स थे उनको सब लोगों ने डिनाई कर दिया कि ये बेकार रिफॉर्म्स हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा कंट्री का, इनसे नुकसान होगा। जबकि एक्चुअली में नुकसान जो है वो उन लोगों को था जो इंडस्ट्री चला रहे थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे जिनका इन्फ्लुएंस था कम्युनिस्ट के ऊपर। गॉर्चव रिफॉर्म पॉलिसी जनरेटेड अप नेशनलिस्टिक फीलिंग। और इनकी पॉलिसी जो थी उसको पब्लिक पसंद करी थी, उसने एक नेशनलिस्टिक फीलिंग ले ली। द डिज़ायर ऑफ द सोवरेनिटी विद इन द वेरियस रिपब्लिक इंक्लूडिंग द रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक। और कई देशों के अंदर पब्लिक जो है वो सड़कों पर उतर आई और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पीपल प्रेफर टू कैपिटलिस्ट इकनॉमी ओवर द सेंट्रलाइज इकनॉमी अंडर विच देवर सफरिंग। यानी कि लोग जो है आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को चाहते थे, और जो सेंट्रलाइज इकोनॉमी जो सोशलिज्म चल रहा था उससे लोग परेशान हो चुके थे। व्हाट वर द लार्जेस्ट गैरेज सेल्स इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर लार्जेस्ट गैरेज सेल किसे कहते हैं, तो ये 2 मार्क्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। लार्जेस्ट गैरेज सेल्स इन द हिस्ट्री वॉज रिजल्टेड ड्यू टू द शॉक थेरेपी टू अंडर वैल्यू द वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज ऑफ द यूएसएसआर टू सेल दैम एट थ्रो अवे प्राइसेस। यानी कि गैरेज सेल का मतलब है कितने बड़े क्राइसिस आ गए थे जब कम्युनिज्म को चेंज करके प्राइवेटाइजेशन कैपिटलिज्म अपनाया जा रहा था, तो जो कंपनीज थे जो कम्युनिज्म के अंदर चलती थी इंडस्ट्रीज थी, वो करोड़ों रुपए की इंडस्ट्रीज़ को हज़ारों रुपए में एट थ्रो अवे प्राइसेस जो है बेचना पड़ा। व्हेन डिड द बर्लिन वॉल फेल, बर्लिन वॉल कब फेल फॉल हुई थी, कब गिरी थी। द बर्लिन वॉल फॉल ऑन द नवंबर 1989। राइट अ नोट ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी कि CIS आपके एग्जाम में आता, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CIS। तो CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। डिसइंटीग्रेशन द USSR gave birth to the Commonwealth of the Independent State CIS when under the leadership of the Boris Yeltsin Russia, Ukraine and Belarus declared themselves as the independent and gave a surplus to the other republic, especially to the Central Asia Republic. This issue was resolved quickly by making this the republic as founding the member of the CIS and Russia become the successor state who inherited the Soviet Sea in the UN and expected the international trade of the communist. वॉट इज़ अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है, इस पर एक शॉर्ट नोट आपको देना है, ये एडिशनल टॉपिक है जो अभी ऐड हुए हैं आपके। द अरब स्प्रिंग वॉज सीरीज ऑफ द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अपराइजिंग एंड आर्म्ड रिबेलियन डेट स्पीड अक्रॉस मच द अरब वर्ल्ड इन द अर्ली 2010 में जो अरब टेररिस्ट तैयार हो रहे थे और वो जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो आर्म रिबेलियन कर रहे थे, हथियारों का सत्याग्रह करना,
उन्होंने शुरू किया था। उसके अलावा प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सब जो है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। इट बिगेन द रिस्पॉन्स टू द ऑप्रेसिव रिजाइम्स एज अ लॉ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टार्टिंग विद द प्रोटेस्ट इन द टूनिसिया। द टूनिसिया इज द प्रोटेस्ट, देन द स्प्रेड ऑफ द फाइव अदर कंट्रीज लिबिया, इजिप्ट, यामीन, सारिया, बहरीन वर आइदर द रूलर एंड द डिपॉजिट द मेजर अपराइजिंग। सोशल वायलेंस ऑकर्ड इंक्लूडिंग द रेप, सिविल वॉर एंड द इंसर्जेंसीज सस्टेन द स्टेट डोमिनेशन टुक प्लेस इन द मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, आयरन कुजेकिस्तान, लेबेना, लेबलन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडन, यानी कि ये सब जो है गल्फ वार के पार्ट रहे हैं और गल्फ वार जो है यहाँ पे सब जगह चला है। इसी को हम लोग अरब स्प्रिंग भी कह सकते हैं, अरब स्प्रिंग भी इसी के अंदर कवर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिपोलरिटी? यूनिपोलरिटी क्या होता है? यूनिपोलरिटी डेट देयर इज द सोल सुपर पावर डेट इज द डोमिनेट इन द इंटरनेशनल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देयर इज द यूनिपोलरिटी एट द प्रेजेंट इज US इन द ओनली सुपर पावर। बाईपोलरिटी, देखो यूनिपोलरिटी तो मैंने आपको बताया था, बाईपोलरिटी खत्म हो गया, दो सुपर पावर थी दोनों में से एक खत्म हो गई और एक ही बची तो उसे हम बाईपोलरिटी कह रहे थे। बाईपोलरिटी मीन्स डैट द टू सुपर पावर वर एज वॉज द केस ड्यूरिंग द कब है यहाँ पर हमारा डिस्क्राइब द गल्फ वार। गल्फ वार को बताना है आपको क्या है गल्फ वार। द गल्फ वार विच लास्टेड फ्रॉम द अगस्त 1990 टू फरवरी 1991, यानी कि अगस्त 1990 से लेकर फरवरी 1991 तक ये गल्फ वार चली थी। वॉज अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट डेट बिगेन विद द इराक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका ने उसको वॉर्न किया कि आप कुवैत को कब्जे में करने का लालच छोड़ दीजिए, क्योंकि सद्दाम हुसैन चाहता था कि वो कुवैत को भी अपनी नेबरिंग कंट्री की तरह कब्जा ले। और कुवैत पे जो है बहुत सारे तेल के कुएं हैं और पूरे वर्ल्ड को जो अधिकतर जो रिसोर्सेज हैं पेट्रोलियम डीजल के वो कुवैत ही है। तो वो चाहता था कि इसके ऊपर वो पूरे डोमिनेशन कर ले अपना सद्दाम और पूरे कंट्रोल कर ले डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस को। लेकिन अमेरिका इससे नाराज़ था, अमेरिका ने उसको वार्निंग दी थी लेकिन उसने वार्निंग को नहीं माना। तो अमेरिका ने उसके ऊपर अपने साथी जो कंट्रीज थे देश थे उनके साथ मिलकर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। डिक्लेयरिंग इट एज अ 19 प्रोविजन फॉलोइंग हुसैन डिफेंस ऑफ द UN वार्निंग। द US इट्स पार्टनर कंपेल्ड द इराक फोकसेस टू विड्रॉ फ्रॉम द कुवैत। तो US था उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अब कुवैत की तरफ रुख किया और यहाँ से जो है उनको इराक को जो उखाड़ फेंकना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू द कुवैत अथॉरिटीज अराउंड 605% डिसअपेयर ड्यूरिंग द इराक इन्वेंशन ऑफ देयर कंट्री। 605 लोगों का तो पता नहीं लगा कि वो कहाँ चले गए, वो डिसअपेयर हो गए थे, मर गए, जिंदा हैं, ये कुछ किसी को कुछ भी नहीं पता। इन द फर्स्ट गल्फ वॉर इराक वॉज डिफीटेड बाय अ कोलोनियन फोर्स 6,60,000 मैन फ्रॉम 34 कंट्री, यानी कि टोटल 34 कंट्रीज ने USA के साथ इसमें पार्ट लिया था और 6,60,000 जो लोग थे वो मारे गए थे इसके अंदर। द ऑपरेशन वॉज द डब्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ऑफ द फर्स्ट गल्फ वॉर। द कॉन्फ्लिक्ट वॉज प्राइमरी ऑन द अमेरिकन अफेयर। इसको अमेरिकन अफेयर के नाम से भी जाना जाता है। द सोवियत अफगान वॉर व्हाट वर द कॉन्सिस्टेंसी ऑफ द सोवियत इन्वेंशन इन द अफगान। अफगान के अंदर जो 10 साल तक सोवियत ने लड़ाई लड़ी थी कम्युनिस्टों के फेवर में, जो वहाँ पे तालिबानी थे या और कोई मुजाहिदीन थे उनके अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ते रहे थे, तो उसके लिए सोवियत इन्वेंशन कह सकते हैं इसको। द सोवियत अफगान वॉर डेट वॉज स्टार्टेड इन द दिसंबर 24, 1979 केम इन टू एंड ऑफ द 15 फरवरी 1989 वेन द सोवियत यूनियन अनाउंस डेट ऑल ऑफ द ट्रूप्स हैड लेफ्ट अफगानिस्तान। द डिवेस्टिंग वॉर हैड कंटिन्यूड फॉर 9 ईयर एंड लास्टिंग एफर्ट बोथ द सोवियत यूनियन एंड द अफगानिस्तान। बैकग्राउंड क्या है इस वार के, अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि वार की स्थिति क्यों बनती है। द सोर रिवोल्यूशन हैड टेकन प्लेस इन द अफगानिस्तान 1978 विच इंस्टॉल अ कम्युनिस्ट पार्टी इन द पावर। नूर मोहम्मद तहरीकी बिकम द हेड ऑफ द स्टेट रिप्लेसिंग द प्रीवियस प्रेजिडेंट दाऊद खान। दाऊद खान को हटा के नूर मोहम्मद की सरकार बनी थी। तो तारकी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द मैनी मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म डेट वर कंसिडर्ड टू रेडिकल एंड लेफ्ट टेम अनपॉपुलर स्पेशली इन द रूरल एरियाज एंड
विद द ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर, यानी कि टर्की की जो गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती थी और कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाकर जो है नई गवर्नमेंट बना दी गई, क्योंकि लोग जो थे उसके जो डिसीजन से खुश नहीं थे, इसीलिए एक नई जो नूर मोहम्मद की सरकार पहले ही बन गई थी, दारुल इमाल की जो सरकार थी उसको बना दिया गया। इवन अननेम्ड सिविलियन अपोजिशन गवर्नमेंट वर नॉट स्पेयर्ड, यानी कि सिविलियन जो थे उन्होंने भी काफ़ी जो आवाज़ उठाई थी, अफगानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने, लेकिन ये जो था डिसीजन तो था वो चलता रहा, तो इसके लिए रशिया को जो आगे आकर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका फेवर करना पड़ा। दिस लीड टू राइज द वेरियस एंटी गवर्नमेंट आर्म ग्रुप्स इन द कंट्री, और यहाँ पर यह हुआ कि जब गवर्नमेंट पर कब्जा कर लिया फोर्सफुली जो है USSR ने, तो काफ़ी जो ग्रुप्स थे वो एंटी ग्रुप्स बन गए रशिया के। जो रशियन गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि वो कुछ दिन के बाद अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे, तो वो फिर अगले 10 साल तक अफगानिस्तान से निकल ही नहीं पाए, ऐसा कोई ना कोई गोरिल्ला वार या कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती थी। द लीड टू द राइज ऑफ द वेरियस एंटी गवर्नमेंट आर्म ग्रुप्स इन द कंट्री, द गवर्नमेंट इट्सेल्फ वॉज डिवाइडेड एंड तराकी वॉज किल्ड बाय द राइवल हफीजुल्ला आमीन हु बिकम एन प्रेजिडेंट। द सोवियत यूनियन विच एट दैट टाइम वॉन्टेड अ कम्युनिस्ट अलाय इन द ऑल कंट्री डिसाइडेड टू इंटरवेन। सोवियत आर्मी वॉज डिप्लॉयड ऑन 24 दिसंबर 1979 इन द काबुल, दे स्टार्टेड अ ग्रुप एंड किल्ड द आमीन इंस्टॉलिंग बैबरक कारमल एज द प्रेजिडेंट। कारमल वॉज अ सोवियत अलाय, यानी कि सोवियत में आप जिस सोवियत की मदद से जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया बारबक कमाल को। ग्रीस टुक रिफ्यूज इन द पाकिस्तान धरम, काफ़ी सारे लोगों ने जो अफगानिस्तान छोड़ के जब पाकिस्तान ईरान इंडिया के अंदर शरण ले ली, सम केम टू इंडिया एज वेल। इट्स एस्टिमेट डेट द सोवियत अफगान वार अबाउट 20 लाख अफगान सिविलियन वर किल्ड, 20 लाख जो सिविलियन थे अफगान के नागरिक थे वो मारे गए थे इस लड़ाई के अंदर। इन 1987 आफ्टर द रिफॉर्मेशन मिखाइल गॉर्चप केम इन टू द फोर्स ऑफ द सोवियत अनलोन द अनाउंसमेंट डैट द गवर्नमेंट वुड स्टार्ट विदड्रॉइंग ट्रूप्स, यानी कि इन्होंने अपने रिफॉर्म्स के अंदर, मिखाइल गॉर्चप ने रिफॉर्म के अंदर सबसे पहले अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेज जो है वापस बुला ली, क्योंकि अननेसेसरी जो टैक्स पेयर पर बोझ पड़ रहा था अफगानिस्तान की लड़ाई का, जबकि कोई जरूरत नहीं थी। द फाइनल सोवियत ट्रूप्स वर विदड्रॉन ऑन 15 फरवरी 1989। जो यहाँ पे है मैंने आपको बताया था मुजाहिदीन पैदा हो गए थे, या जो आर्मी के अंदर जो USSR की आर्मी थी उसने तो अब पलायन कर लिया वापस, सारा देश जो है उनके हवाले छोड़ दिया है, और जो वहाँ का प्रेसिडेंट था जो इन्होंने बनाया था उस प्रेसिडेंट के ऊपर सारा प्रेशर आ गया। नाउ द गवर्नमेंट अफगानिस्तान वॉज लेफ्ट अनोन विद द मुजाहिदीन, मुजाहिदीनों के साथ इसको छोड़ दिया गया। फाइनली सक्सेसफुली टेकिंग कंट्रोल इन द काबुल 1992, काबुल के ऊपर 1992 में जो है मुजाहिदीनों ने अपना कब्जा कर लिया। अगेन द मुजाहिदीन हैड डिफरेंट फैक्शंस विद दे कुड नॉट एग्री ऑन द पावर शेयरिंग, यानी कि अब भी जो है मुजाहिदीन तो उसी बातों कह रहे थे कि हमें बर्दाश्त नहीं है कि अपनी पावर शेयरिंग किसी के साथ करें। द कंट्री कोलैप्स इनटू द ब्लडी सिविल वॉर, सिविल वॉर के अंदर कंट्री जो है वो चली गई। इन 1994 द ग्रुप ऑफ द फंडामेंटलिस्ट स्टूडेंट रॉन्ग सॉरी बर्थ कंट्रोल टू द सिटी कंधार वॉज स्टार्टेड अ कैंपेन टू साइज द पावर ऑफ द कंपनी, देवर कॉल्ड द तिबेलियन तालिबान, इनको तालिबान कहा जाने लगा। मैनी ऑफ देम वर ट्रेंड इन द पाकिस्तान वेन दे वॉर रिफ्यूजिस केम कैम्प। बाय 1998 ऑलमोस्ट एंटायर अफगानिस्तान वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान, यानी कि 1998 तक जो है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया मुजाहिदीनों का, तालिबानी मुजाहिदीनों का। तालिबान जो है वहाँ पर एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लगा। मैनी ऑफ द मुजाहिदीन वर्लोड फेल्ड टू नॉर्थ टू द कंट्री एंड द जॉइंट द नॉर्थन अलायंस हु वर फाइटिंग विद द तालिबान। तालिबान के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी लेकिन जीत नहीं पाए और सारा कंट्रोल जो है तालिबानी के ऊपर चला गया। दिस टाइम रशिया लैंड सपोर्ट टू द नॉर्थन अलायंस, थॉट दे वुड
दे वर फाइटिंग अगेंस्ट दैम। इस समय जो रशिया था वो नॉर्थन अलायंस के साथ था, उसको उम्मीद थी कि नॉर्थन अलायंस जो है वो इनसे लड़ेगा। द तालिबान रूल्ड कंट्री अंडर अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीरिया लॉ, यानी कि यहाँ पे मुस्लिम सीरिया लॉ चलता था, यहाँ पे कोई कानून नहीं था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मैनी ऑफ द प्रोग्रेस वर रिगार्डेड द वुमेन इन द वुमेन एंड एजुकेशन, कई तरह के काम जो थे वुमेन्स के लिए और एजुकेशन के लिए करना जरूरी था। विच द कंट्री लीड्स इन अर्लियर वॉस रिजर्व्ड, गर्ल वर फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग द स्कूल एंड वुमेन बैंड फॉर वर्किंग, यानी कि यहाँ पे जो गर्ल्स थी उनके ऊपर एजुकेशन की रोक थी और जो वुमेन्स थी वो नौकरियाँ नहीं कर सकती थी, वो किस तरह की प्राइवेट सरकारी नौकरी करने पर उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी। तालिबान का रूल चल रहा था और तालिबानी जो रूल था वो आतंकवादियों को इतना एक्टिविटी करता था, यानी छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को मौत की सज़ा सुना दी जाती थी, चौराहे पे खड़े करके गोली मार देते। तालिबान रूल्ड द कंट्री ऑल्सो बिकम अ सेफ हेवन फॉर द इंटरनेशनल टेररिस्ट, ओनली द पाकिस्तान द यूएई सऊदी अरेबिया रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट, सिर्फ पाकिस्तान ने और यूएई ने सऊदी अरेबिया ने जो है रिकॉग्नाइजेशन दिया था तालिबान की गवर्नमेंट को, बाकी सब ने जो है रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी, इनको टेररिस्ट ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा। इन 2001 अ यूएस लीड टू द कोलिजन डिफेक्ट द तालिबान एंड इस्टेब्लिश द अनदर गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ द अफगानिस्तान, स्टिल सीज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द तालिबान इन अ सर्टेन पॉकेट्स, यानी कि यहाँ पर अभी भी तालिबान का इफेक्ट चल रहा था और तालिबान जो है मजबूत गवर्नमेंट जो है इस देश को दे रहा था, लेकिन उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस थी। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है मेरा कंप्लीट होता है। दो तीन तीन घंटे के वीडियो आप जो देखते हो चैप्टर के वो देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली देखिए, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन फॉर्म्स को आप देख लेते हैं, उन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है 90% मार्क्स आपको एटलीस्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो 90% के लिए मेहनत कीजिए, इन सब क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो लिखने से, इसको याद करने से जो आपका इस चैप्टर में से एटलीस्ट आपका 90% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। आगे आने वाली वीडियो और भी है मेरी, इस तरह से अपना प्यार जो है मेरे साथ बना के रखिए। तो मेरे भाई बहनों, आज एक कसम खा लो कि आपको जो है पढ़ाई करनी है, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई करनी है और इतनी पढ़ाई करनी है कि आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आए। कोई ये ना कहे कि आप पूरे दिन जो है मोबाइल देखते हो, गेम खेलते हो, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आते। आगे मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आपको नाइट स्टडी जो है वो कैसे प्लान करनी है और किस तरह से एक वेल प्लान स्टडी आप नाइट के अंदर कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। स्पेशली उन बच्चों के लिए सीरीज़ होगी जो कहते हैं कि सर हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ नहीं सकते, हमें रात को जागना बड़ा पसंद है। तो ऐसे नाइट आउल्स के लिए मेरा अगला वीडियो रहेगा, मैं उसको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने रात को जगने को यूटिलाइज़ कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, स्पेशली एसएसटी के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए और सोशोलॉजी के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम लोग ग्रो कर सकें, अपने सभी टेंथ के जो भाई बहन हैं उन सब तक वीडियो को पहुँचा दें, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लेटेस्ट वीडियो को देखने से मिस ना करें, इस तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें। अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं करी वो अब भी समय है, अपनी कमर टाइट कर लें, रात को 8 बजे से पढ़ाई शुरू करके कम एटलीस्ट 12:30-1 बजे तक पढ़ाई करें और फिर सुबह आराम से सो जाएं और उसके बाद सुबह चाहें तो थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं 8 बजे तक, लेकिन बिस्तर छोड़ दें और फिर पढ़ने में लग जाएं। तो ये पूरी स्टडी जो है मैं आने वाले वीडियो में आपको दूंगा, आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको कोई वीडियो मेरा मिस ना कर जाएं और सभी बच्चों को शेयर कर दें जो आपका क्लास ग्रुप है क्लास ट्वेल्थ का उसमें, ताकि सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, आपने इतना समय दिया, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्लास ट्वेल्थ का वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार होता है, मैंने कम से कम इसके लिए 8 घंटे स्टडी करके जब ये क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं और क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे हैं जो 100% पक्के क्वेश्चन हैं, 90% मार्क्स आपके आएंगे आएंगे। तो कमेंट लेके ज़रूर बताएं और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ ये भी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। आप मेरी प्ले स्टोर पर ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर से चाहे तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगी पढ़ाई में।